जय मसीह की। आज का संदेश मन की उदासी, सैडनेस ऑफ द हार्ट। ना विवाह में बहुत सारे लोग उदास रहते हैं। ये वचन आज का मुख्य लिया जाता है नेहमिया 2:2 में। वचन कहता है, तब राजा ने मुझसे पूछा, नेहमिया से पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी। नेहमिया वहां पर राजा का पियाऊ था, उसका काम था हसमुख चेहरे के साथ में ना जो काम और सेवा करता वो करना, पर उस दिन उसका दिल बहुत टूटा हुआ था, उसके मन में उदासी थी और उसके चेहरे पर ये दिख रहा था, और ये इस कारण से उसके नौकरी और काम पर भी असर हो रहा था ना। ये कोई उदासी कोई बीमारी की नहीं थी, पर उसका मन बहुत दुखी था। पता नहीं शायद रात भर सोया भी नहीं होगा ना, और उसका मन बहुत डिस्टर्ब होने कारण उसके नौकरी पर भी असर पड़ रहा था। आज बहुत सारे कपल्स उदास रहते हैं ना, और उसका परिणाम उनके नौकरी कमाई पर ये दिख पड़ता है। बहुत सारे लोगों का घर परिवार बर्बाद होता जा रहा है। आपको मन की उदासी का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, आगे जरूर देखेगा। Congratulations on Life Christian University's 10th anniversary grand commencement. I'm honored to be an LCU graduate. It is an institute of excellence, and I'm thrilled to see how God is expanding it so quickly around the world. परमेश्वर का धन्यवाद देते जिसने स्पॉन्सर्स आगे आए हैं इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। हम बहन थेरेसा इमैनुअल का धन्यवाद, आप न्यू दिल्ली से हैं, आपने 10,000 रुपए भेजकर आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। हम भाई इमैनुअल सैमरा जो आप नागपुर से हैं, आपने 1,000 रुपए भेजा, आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारी कोशिश है कि हमारी थोड़ी थोड़ी प्रयास मेहनत परिश्रम के द्वारा कहीं ना कहीं किसी के घर परिवार सुधर जाए, उनके परिवार में हरियाली आनंद ना उद्धार मुक्ति पाया जाए। इस कार्य में आप और मैं हम सब मिल करके कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देता जाए। हमने सिर्फ मात्र 500 रुपए का अपील रखा है। साल भर में आप 500 रुपए भेज करके इस प्रोग्राम में आप सहायता कर सकते हैं, जिसके द्वारा हिंदी में ये उत्तम आत्मा से भरा हुआ संदेश इस माध्यम के द्वारा सुना दिया जाता है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में आप अपनी राशि को जमा कर सकते हैं। हम प्रार्थना निवेदन भी हम मांग रहे हैं कि आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए नंबर में जरूर संपर्क करिएगा और देखिए ना कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रार्थना में जवाब देता जा रहा है। मैं 23 जून को भिलाई में ब्लॉसम मैरिज सेमिनार कंडक्ट किया और लगभग कुछ 30 फैमिलीज कपल्स यहाँ पर आए थे और 2 सेशंस यहाँ लिया था। एक था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना शादी के बाहर चक्कर, और दूसरा एक सेशन लिया था इमोशनल नीड्स ना कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं और जरूरतें हर एक कपल्स के पास में होती है, और ये सेशन बहुत लाभ हुआ, बहुत आशीष बहुत सारे लोगों ने पाए हैं। आप इसके लिए प्रार्थना करते चले, और अगर आप अपने शहर में ये सेशंस मैरिज सेमिनार्स चाहते हैं अपने पास से संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट करें और आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। आज का मुख्य वचन नेहमिया 2:2 में हमने पढ़ा, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी है। राजा एकदम समझ गया,
ये व्यक्ति बीमार नहीं है, कोई रोग नहीं है, परंतु चेहरा लटका हुआ घूम रहा है। एकदम से समझ जाता है ना व्यक्ति जब उदास रहता है, इसके बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रहे हैं। आज बहुत सारे जोड़े कपल्स उदास फिरते रहते हैं, वो तो इस बातों में भी रिग्रेट कर रहे हैं और पछता रहे हैं क्यों उनकी विवाह हुई। वो सोच रहे हैं उनका विवाह एक बहुत बड़ा मिस्टेक था उनके लाइफ का। वो बहुत लड़ाई झगड़ा के साथ में अपने दिन बिताते, रात रात सो भी नहीं पाते, और उसका परिणाम उनके घर परिवार बच्चों में और उनके जॉब में ये दिख पड़ रहा है ना। इस बात को स्मरण रखे, विवाह ये परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर है जो एक स्त्री और पुरुष को जोड़ता है और दोनों को वो एक देह बना देता है। हमारा संदेश मैरिज गॉड्स क्रिएशन यूट्यूब में उपलब्ध है, आप इसको भी देख सकते हैं और देखे ना कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आप हमारे मैरिड लाइफ को जोड़ता है और बनाता है ना। और जब परमेश्वर जोड़ता है वो काम अच्छा करता है ना। परमेश्वर जो देता है उसको स्वीकार करना हमें बहुत जरूरत। जैसे हमारे घर में बच्चे, लड़का है लड़की है, काला है पीला है नीला है, व्हाटएवर मेरा चाइल्ड है ना, वो ना हम उसको एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि परमेश्वर की रचना। वैसे विवाह ना, हस्बैंड वाइफ, ये परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने आपको दिया है, हस्बैंड को दिया, वाइफ को दिया, आप एक्सेप्ट करो ना। और परमेश्वर को हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहिए ना। मैंने कई बार बताया हूं, मैरिज एक बैप्टिज्म सेरेमनी के समान। बैप्टिज्म है आपने ओपनली पब्लिकली चार लोगों के आगे में अपने विश्वास को अंगीकार किया कि अब यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, उस पर विश्वास करते हैं। और उसके बाद से क्या मिला और क्या नहीं मिला और क्या परिणाम हुआ, हम मसीह को थोड़ी ना छोड़ देते हैं। वैसा ही कुछ है विवाह। विवाह में अपने चार लोगों के आगे में ना, वहां दास संतों के आगे में, रिश्तेदारों के सामने में कुछ अंगीकार किया और एक दूसरे को पति और पत्नी करके स्वीकार किया ना। प्रीस्ट ने, पास्टर ने दबाव थोड़ी ना दिया, जबरदस्ती नहीं। आप स्वयं इच्छा से प्रीस्ट के पास में आए थे ना कि आप शादी करना चाहते हैं ना। और चार लोगों के आगे में आपने पब्लिकली कुछ शब्द और शपथ और वाउज खाया था, उसमें से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं ना। अगर हम अपने विवाह को इस मनसा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में कितने भी समस्याएं आएंगे ना, वहां पर हम कहीं ना कहीं कुछ हल सोल्यूशन निकाल सकते। डाइवोर्स इज नॉट अ सोल्यूशन। तलाक, सेपरेशन, अलग हो जाना, दो बेडरूम में अलग अलग सोना, बातें नहीं करना, या दो शहर में जाकर अलग अलग काम नौकरी ढूंढ लेना, भैया दूर रहो अपनी पत्नी से या पति से ना। अब जितना भागेंगे आपका प्रॉब्लम और बढ़ते ही बढ़ते जा रहा। अगर मसीह यीशु हमारे जीवन में है तो आने दो आंधी ना, आने दो तूफान। यीशु मसीह ने कह दिया, ये बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास। वो बुला रहा है ना आपको, वो विश्राम देगा ना आपको, हम की समस्या को हल करता है। मसीह यीशु हमारे पास, उसने जोड़ा है, उसे कोई अलग ना करने पाए। दूसरी बातों को याद रखना, वो शैतान है जो आनंद को चुराता। द डेविल इज अ जॉय स्टीलर। वो इसलिए आता, चोरी करे, घात करे और नाश करे, ना केवल आपके धन की, आपकी सहियत की, पर आपकी शांति, आनंद ना, मिठास, प्रेम, वैवाहिक जीवन में है उसकी भी चोरी वो करता है ना। और वो अलग अलग तरीके तरकीब को इस्तेमाल करता रहता है ना। इसलिए शैतान के तरकीब को हम समझे ना। आपके जीवन में एक फिजिकल अटैक अलग होता है, जहां पर शरीर बीमारी, पर एक मेंटल अटैक होता है जिसमें आपका दिमाग बीमार हो जाता है। और मैं हरदम कहता हूं, सिक माइंड्स मेक सिक बॉडीज। अगर मन बीमार है, उदास है, तो एक ना एक दिन आपके देह में कुछ कमजोरी, बीमारी आ जाती है। सो मन की उदासी, इस विषय बहुत महत्व है, इसका ट्रीटमेंट और इलाज करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझको आनंद में आना, मेरे पारिवारिक जीवन में धन्यवाद होना, न जय जयकार और स्तुति होना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके स्पाउस के सेहत के लिए और आपके फैमिली के लिए ना। हरदम याद में रखे ना कि हमारी पत्नी और पति ही है जिसके द्वारा असली आनंद मुझको मिलता है ना। हम बाहर से कहीं और आनंद, मेरे कोई और दोस्त यार या कलीग्स ऑफिस में से ना, कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अब नहीं होगी बाहर में से जो मुझको आनंद दे सकता है, या कोई सामान, कोई वस्तु, या टीवी देख देख करके रात रात बिता रहे, या क्रिकेट मैच होते जा रहा, या पिक्चर देख रहे, उससे अभी मेरा मेन सोर्स ऑफ जॉय नहीं है।
ना मेरा मेन सोर्स ऑफ जॉय है मेरा स्पाउस, मेरी पत्नी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, वहां से हमको पूरा आनंद मिलना चाहिए। बाइबल में लिखा है मलाकी 2:14 में ना वचन कहता है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी, संगनी वर्ड यूज याद रखना, और बिहाई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था कि जिसका तूने विश्वासघात किया है ना। यहां पर वचन कहता है वो बिहाई हुई स्त्री तेरी संगनी कंपेनियन ना, कंपेनियन है, तेरा फ्रेंड है। हिब्रू में जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया संगनी या कंपेनियन का, इट ऑल्सो मीन्स योर फ्रेंड, योर फेलो, और निट टूगेदर, वोवन, इंटरलॉक, कैनॉट बी सेपरेटेड, वो अलग नहीं किया जा सकता है ना, वो अब घुल मिल गया है। जैसे कि चाय में शक्कर आपकी घुल मिल गई ना, अब छन्नी के द्वारा तो चाय पत्ती तो दूर निकाल लेंगे पर शक्कर को नहीं निकाल सकते उसमें से। वैसे वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी परमेश्वर ने जोड़ा, अब दोनों घुल मिल गए, और वचन कहता है चेतावनी के साथ जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करने पाए ना। प्रयास भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, अभी दूसरा मार्ग और दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा। जैसे कि बच्चा पैदा हो गया ना, अब थोड़ी ना वापस भेज सकते हैं ना, जो परमेश्वर ने दिया है हम धन्यवाद करें और उसको हम स्वीकार करने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो अच्छा ही देता है ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें अपने स्पाउस के लिए, हम बोलने पाए ना कि मेरी पत्नी मेरा पति बहुत अच्छा है। समय निकाले, कई बार मर्द में से ना ऐसे मीठे शब्द निकलना बहुत कठिन हो जाता है, मर्द की भाषा और उसका जुबान बहुत मोटा होता है, दो मीठा प्रेम का शब्द बोलना बहुत कठिन जाता है। हम कई बार अपने इस वाइफ को बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड, पत्नी है कहाँ जाएंगी, रे उड़ रहे बैठ रहे ना, ये वाली भाषा में अपनी पत्नी से भी हम बातचीत कर लेते हैं और वो बहुत कठोर और कठिन हो जाता। हम कभी और आपके बीच में लेंगे ना इमोशनल नीड का सेशन भी, और उसमें भी बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु आपकी स्पाउस, आपकी पत्नी आपकी कंपेनियन है, आपकी फ्रेंड और आपके बेस्ट फ्रेंड है। जब आदमी की शादी नहीं हुई थी ना, कितने दोस्त यार थे ना उसके पास, रात के 12 और 2 बजे हा 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 ही चलता रहता था ना, और दोस्त यारों में आनंद उठाते थे। पर विवाह के बाद अभी पति और पत्नी में मिठास, आनंद, खुशी, यहां से विवाह को जेल मत समझना। विवाह को बोलना नहीं कि मैं फंस गया रे बाबा, शादी करके मैं यहां फंस गया हूं, नहीं, आनंद ये परमेश्वर की रचना है। वो बच्चों को पालते पालते कई बार मां त्रास में भी आ जाती है ना, परंतु बच्चों से ही आनंद मिलता है ना, उसी रीति से पति और पत्नी का रिश्ता भी है। मैं आपके आगे में कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं ना, इन प्रश्न पर आप सवाल करिए, सोचिएगा ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे ना। अगर आप चाहते ये प्रश्न तो मैं आपको भी भेज सकता हूँ, ईमेल एड्रेस दीजिएगा आप ना। पहला प्रश्न है ना, एक दिन में आप अपने पति पत्नी के साथ कितना विशेष या स्पष्ट समय बिताते हैं, क्वालिटी टाइम, कितना टाइम अपने स्पाउस के साथ आप बिताते हैं ना। कई बार दिन ऐसे निकल जाता है, काम करते करते, ये काम वो काम करते करते थक करके आगे बिस्तर में जाके सो जाता है ना, क्वालिटी टाइम नहीं रहा, बातचीत करने का समय भी नहीं रहा ना। स्पाउस और खासकर पत्नी चाहती है दो शब्द मैं बातचीत करूं अपने पति के साथ में, दो मीठे शब्द, जो दिन भर की बात है उसको मैं बता। क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ बिताना बहुत जरूरी है, जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे हम लोग, एकांत में अलग में जाकर शांत आंख में आंख दिख करके प्रेम से बातचीत करेंगे ना। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। एक और एक प्रश्न, क्या आप अपने पति और पत्नी के साथ समय बिताने का आनंद उठाते हैं ना, क्या आपको आनंद लगता है, डू यू एंजॉय स्पेंडिंग योर टाइम विथ योर स्पाउस ना, कि बोझ लगता, कि बोरिंग लगता ना पति और पत्नी के बीच में, अरे यार कहां से आ गई हो, फिर से किटकिट लग रहा, बोरिंग लग रहा है ना। क्या आपको आनंद लग रहा है अपने स्पाउस के साथ बातें करने के लिए? मैं तो एक बार देखा था एक जवान लड़का और लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी, और ट्रेन से निकला था मैं मुंबई से लेकर नासिक, 5 घंटे वो लड़की फोन पर बातचीत में, समझ गया भैया
उसकी बातचीत से समझ गया। बहुत रोमांस है, बहुत प्रेम है, बहुत आनंद। कई बार शादी के पहले लोग बहुत प्रेम और आनंद बताते हैं, शादी के बाद क्या हो जाता है ना। डू यू इंजॉय स्पेंडिंग योर टाइम, आपका जॉय वहां से आना चाहिए ना, आपको आनंद आना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछूंगा, काम करने के बाद या नौकरी के बाद आप घर वापस पाने के या आने के लिए उत्साहित होते हैं या नहीं। डू यू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम, डू यू लॉन्ग टू गेट बैक होम, कि आप जानबूझ कर ऑफिस में और दो घंटा काम कर रहे, भैया घर क्यों जाऊं, घर जाऊंगा तो किट किट होता रहेगा ना, टेंशन होता रहेगा ना, ना कुछ लोग अलग अलग बहाने करके, भैया घर से दूर रहूं मैं, रात में जाऊंगा खाना खा के सो जाऊंगा, ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आपके यहां पर ये कुछ डेंजर सिग्नल्स है ना, कुछ वार्निंग साइंस आपके परिवार में हो रहे, जिसको आपको जवाब देना बहुत जल्द और उसको सुधारना बहुत ठीक हो जाएगा ना। नंबर फोर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, हर दिन एक परिवार के रूप में क्या आप अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं। फैमिली ऑल्टर, रन टू द ऑल्टर, एक और एक सेशन मैंने लिया हूं यूट्यूब में, आप देखिएगा ना। फैमिली ऑल्टर बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्रिश्चियन होम फैमिलीज और पास्टर्स फैमिली ना चर्च में तो प्रार्थना करते पर घर में कभी नहीं करते ना। एज अ फैमिली प्रेयर में बैठना बहुत जरूरी, वचन कहता है जब तक कि यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वाले की सारी परिश्रम मेहनत व्यर्थ शून्य जीरो हो जाएगी। हमको गॉड होना ना, परमेश्वर होना, जो हमारे घर परिवार में आनंद ले आएगा, सुख ले आएगा, खुशी शांति लेकर के आएगा। सो प्रेयर टाइम आपके फैमिली का बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता हूं, जब आपको मदद की जरूरत है तो आप किसके पास पहले संपर्क करते हैं, किसके पास पहले जाते हैं, कब आप कई तकलीफ में आ गए, क्या मदर के पास, फादर के पास, या अपने स्पाउस पति या पत्नी के पास ना। ये बताएगा ना कितना गहरा रिश्ता है आपको अपने पति और पत्नी के साथ में, कि आप दुख में और सुख में एक साथ समय बिताने के लिए तैयार होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने पति और पत्नी से ना बातें करते हैं तो आपकी आवाज का स्वर क्या होता है, टोन, टोन ऑफ योर वॉइस ना। देखो स्त्री जात थोड़ा सा मोटा आवाज बोल दो ना, कैसे टप 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 आंसू बहना चालू होते हैं ना। आदमी परेशान में तो कुछ बोला ही नहीं भैया, और वो रोती रहती है रात भर रोती रहती है ना। आपका टोन और स्वर आवाज आपका कैसा है, थोड़ा मीठा से बोलो ना, थोड़ा प्रेम से बोलो ना। ये इमोशनल नीड वो सेशन में आता, जरूर देखिए ना कैसे हमने स्त्री जात से बातचीत भी करना है। दो मीठे शब्द बोलेंगे तो वो स्त्री तो सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बदले बजाय ऊंचा स्वर मोटा स्वर इस्तेमाल करो और हाथ उठा के देखो, वो तो और कठोर और विरोध में चले जाएंगे ना। इसलिए प्रेम पूर्वक हमें बहुत जरूरी है। हम लोग विषय ले रहे हैं सैडनेस ऑफ द हार्ट, क्यों उदास फिरती रहती ना, इसको हमारे इन बातों पर हम थोड़ा प्रश्न में ध्यान देने पाए। नेक्स्ट प्रश्न पूछूं मैं आपसे, क्या आप अपने पति या पत्नी के साथ हंसी चुटकुल्ला करते हैं, कभी लाफ्टर है आपके घर में ना, कभी कुछ जोक्स, कभी कुछ लाइट मोमेंट्स है लाइफ में, कि हरदम ए उठ रहे खाना खा उठा ये पोछ ये झाड़ू कर, वो बस उसी में जीवन दिन काटते जा रहे हैं। अरे जॉय हैप्पीनेस लाफ्टर लेके आओ। आपके बच्चे आज कितने जल्दी बड़े हो जाते, कितने जल्दी घर छोड़कर चले जाते, बच्चे लॉन्ग करते हैं डैडी और मम्मी के साथ बातचीत करने पर, डैडी मम्मी दिखते ही नहीं, डैडी मम्मी दिखते तो टेंशन में दिखते, और झगड़ा और क्रोध दोनों के बीच में देखते देखते ऐसा व्यवहार रहेगा तो बच्चों में गलत परिणाम हो जाएगा। बच्चे कई ये भी बोल सकते हैं, भैया मैं क्यों शादी करूं, मैंने देखा ना मम्मी डैडी के लाइफ में कितना टेंशन था, मेरे को नहीं होना ऐसा टेंशन, ऐसी भी भावनाएं उनके अंदर भी डेवलप हो सकती है। इसलिए लाइट मोमेंट्स रखो ना। इसलिए मैं कई बार कहता हूं पति और पत्नी में टेंशन हो रहा है, दरवाजा बंद करके एकांत में जाकर के वहां पर बातचीत करिए ना, बच्चों के आगे में नहीं ना, लाइट मोमेंट्स रखिए अपने परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने परिवार को एक पिकनिक डिनर मनोरंजन के लिए बाहर ले जाते हैं, कभी पार्क में ले गए, गार्डन में ले गए, कि आप बहुत बिजी हो बेटा बहुत बिजी हो, और बच्चा बेचारा क्या बोलेगा, कभी कुछ क्रिकेट मैच देख ले गए, कभी पिकनिक में ले गए उनको ना, रिक्रिएशन फन टाइम में ले गए उनको ना। बच्चे ठहरे रहते हैं, पत्नी ठहरे रहती है, कई बार जो हाउसवाइफ होती है
वो घर के बाहर दिन भर पूरे हफ्ते भर से बंद पड़ी है, थोड़ा सा बाहर ले गए उनको अच्छा भी लगता है ना, इन बातों की गंभीरता के साथ में हम सोचने पाए ना। सो इसलिए संगनी, कंपेनियन, फ्रेंडशिप मैरिड लाइफ में होना हमारा बहुत जरूरी। यीशु मसीह ने भी चेलों को जाते जाते कहा, मैं तुम्हें नौकर नहीं पर मित्र करके पुकारता हूं। जो फ्रेंडशिप टाइप रिलेशनशिप होती है वो बेस्ट रिलेशनशिप। इसलिए हस्बैंड वाइफ में फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी। अपने स्पाउस को हम किस रीति से हैप्पी कर सके ना, हैप्पीनेस लेकर के आ सके, उस बातों का जरा सा ना खोज करो ना, उस बातों पर जरा सोचो। मैरिज में ना इंजॉयमेंट और जॉय लेकर के आना बहुत जरूरी होता है। बाइबल में यह भी लिखा है, सब उपदेशक 9:9 में कहता है, लिव जॉयफुली विद द वाइफ हुम द लवेस्ट ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ ना, कि अपने प्यारी पत्नी के साथ में आनंद के साथ दिन बिताओ। बाइबल कहती है लिव जॉयफुली, जॉय लेकर के आए अपने मैरिड लाइफ में ना, ये बहुत अवश्य होगा, हमें बहुत जरूरी होगा। मैंने बताया आपको, शैतान जॉय स्टीलर है, आपके वैवाहिक जीवन के आनंद को चुराने की कोशिश में लगा है, पर परमेश्वर है जॉय लेकर आया। वचन कहता है नेमिया 8:10 में ना, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद वो मेरी तरफ। परमेश्वर आनंद लाता और प्रभु के आनंद में वो सबसे मेरा कारण होना चाहिए आनंद होने का। परमेश्वर मेरे बीच में है ना, प्रभु है तो सारे टेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पॉलुस ने जगह जगह बार बार बाइबल में लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। इसलिए पॉल सिलास भी क्यों ना जेल में भी थे, वहां भी गीत गा रहे थे, वहां भी आनंद कर रहे थे। गीत गाना बहुत जरूरी है ना, वो मेरे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो मेरे माइंड बॉडी को हील भी कर देता है ना। इसलिए प्रभु में आनंदित होना, मेरा प्रभु जॉय देने को आया। एक वचन पढ़ूं, भजन 128:2 कलम में लिखा है, भजन 128:2, तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरी भला ही होगा ना, तेरा भला ही होगा ना। इंग्लिश में कहता है, हैप्पी शैल थाउ बी एंड इट विल बी वेल विद दी, हैप्पी शैल थाउ बी ना, हैप्पीनेस जॉय मेरा प्रभु देने को आया है। वो बहुत जरूरी होता है मेरे घर में, परिवार में जॉय और हैप्पीनेस लेकर के आए। उसका तीसरा कलम भी कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री ना फल वतन दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे ना। तो सो तेरी स्त्री वो फल वतन दाखलता के समान ना, एक फ्रूटफुल वाइन पेड़ भी ना, जब उसको बरोबर से खातर खेत धूप मिलता है तो तब जाके फूल आते हैं उसमें। जब पेड़ हैप्पी होता है तब फूल और फल भी लग जाते ना। इसलिए हमारी वाइफ, हमारे फैमिली, हमारे बच्चों, घर में हैप्पीनेस होगा ना तो एक अलग ही आनंद हमारे घर में आ रहा है और मेरे काम में भी फर्क पड़ रहा है। भजन 128:4 में आगे कहता है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीष पाएगा, हैप्पीनेस की आशीष। मैं अकेले प्रार्थना करूंगा ना कि प्रभु आपके घर में हैप्पीनेस जॉय को रिस्टोर करने पाए, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको ना। शायद हो सकता है बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आ रही है ना, पर उसके लिए आप दोनों जन बैठ करके बातचीत करें, सुलझाव निकाले उसके लिए ना। क्योंकि अंदर से अगर एक आदमी दुखी 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 बहुत लंबे समय तक है तो अंदर हड्डी भी सड़ जाती है और कैंसर भी हड्डी से शुरू होता है ना, हर डॉक्टर जानता है। इसलिए बोन मैरो टेस्ट भी कराता, बाइबल में लिखा है ना, एक मूर्ख स्त्री ना एक पुरुष की अंदर से हड्डी को सड़ा भी देती है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है ना, अंदर से आदमी उदास हो रहा है ना, और वो उदासी लेकर के धीरे धीरे करके उसके शरीर में उतर आ जाता है ना। इसलिए सैडनेस ऑफ हार्ट, मन की उदासी, ये मैं कहता हूं बहुत बड़ी एक मेंटल डिजीज है। उसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी ना, स्ट्रेस सब बिल्डअप होते जा रहा है ना। इसलिए प्रयास करे, मेहनत करे ना। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है आज ना, उसके लिए आपको परिश्रम करना हमें बहुत जरूरी है। प्रार्थना करेंगे ना और यीशु मसीह हमारे घर को निर्माण कर देता है, बढ़ा देता है, बना देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आइए लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, एक एक घर और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आज कोई घर उदास है प्रभु,
लंबे समय से रोना होता है प्रभु, दुख और पीड़ा है पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता। तो इसलिए आया है प्रभु जी ताकि हमको आनंद मिले पिता प्रभु, जीवन और बहुत आयत का जीवन मिले प्रभु। ये आशीष मांगता हूं पिता, उनके घर को आनंद से भर दे पिता। पति पत्नी के बीच में जो भी टेंशन है, विरोध वाली बातें, शैतानिक युक्तियों को यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं प्रभु जी। और शांति, यीशु मसीह शांति का राजकुमार यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूं प्रभु। घर को हरियाली आनंद से भर दीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आनंद लाता है, और प्रभु के आनंद में वो सबसे मेरा कारण होना चाहिए आनंद होने का। परमेश्वर मेरे बीच में है ना, प्रभु है तो सारे टेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पॉलुस ने जगह जगह बार बार बाइबल में लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। इसलिए पॉल सिलास भी क्यों ना जेल में भी थे, वहां भी गीत गा रहे थे, वहां भी आनंद कर रहे थे। गीत गाना बहुत जरूरी है ना, वो मेरे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो मेरे माइंड बॉडी को हील भी कर देता है ना। इसलिए प्रभु में आनंदित होना, मेरा प्रभु जॉय देने को आया। एक वचन पढ़ूं, भजन 128 और 2 कलम में लिखा है, भजन 128 और 2, तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरी भला ही होगा ना, तेरा भला ही होगा ना। इंग्लिश में कहता है, हैप्पी शैल थाउ बी एंड इट विल बी वेल विद दी, हैप्पी शैल थाउ बी ना, हैप्पीनेस जॉय मेरा प्रभु देने को आया है। वो बहुत जरूरी होता है मेरे घर में, परिवार में जॉय और हैप्पीनेस लेकर के आए। उसका तीसरा कलम भी कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री ना फल वतन दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे ना। तो सो तेरी स्त्री वो फल वतन दाखलता के समान ना, एक फ्रूटफुल वाइन पेड़ भी ना, जब उसको बरो